हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है शक्ति केसरी एंड मैं लाया हूँ 29 एंड 30 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विच कंट्री इज़ बिल्डिंग वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर? कि कौन सा देश है जिसने पावरफुल क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर बनाया है, मीन्स क्लाइमेट चेंज को फोरकास्ट करेगा ऐसा सुपर कंप्यूटर? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। कौन है? यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने 1.2 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग इस प्रोजेक्ट पे खर्च किया है, 1.2 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग। एंड मेट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने मिलकर ये सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। ओके, अब जानते हैं इस कुछ सुपर कंप्यूटर की खासियत। ये सुपर कंप्यूटर सबसे पहले कि जितने भी आपके हजार सुने वाले हैं, जैसे कि स्टॉर्म आने वाला है, फ्लड्स आने वाला है, या फिर अर्थक्वैक आने वाला है, या फिर सुनामी आने वाला है, किसी भी तरह के हजार सुने वाले हैं, तो ये पहले प्रिडिक्ट करके हमें बता देगा कि कोई हजार्स आने वाले हैं। ओके, एंड ये प्रोवाइड करेगा टू डिटेल्ड वेदर मॉडल, मतलब कि पूरा वेदर का पूरा डिटेल हमें बताएगा ये सुपर कंप्यूटर। एंड ये सुपर कंप्यूटर सबसे पहले खासियत है कि ये टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा, टोटली रन इन रिन्यूएबल एनर्जी। एंड इट विल हेल्प टू सेव 7,415 टन कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रति ईयर 7,415 टन कार्बन डाइऑक्साइड को बचाएगा। एंड ये जो सुपर कंप्यूटर है ये दुनिया के टॉप 25 कंप्यूटर में से एक है, ये दुनिया के टॉप 25 सुपर कंप्यूटर में से एक है। एंड इसमें 1.5 मिलियन प्रोसेसर कोर यूज़ हुए हैं। ओके, अब बताइए कि दुनिया की एक सुपर कंप्यूटर जो कि प्रेडिक्ट कर सकता है कोई हजार आने वाले हैं, तो वो एक जापान का मात्र है, फुगाकू। ये जापान का सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जो कि सुनामी को मात्र प्रेडिक्ट करता है। ये करता है प्रेडिक्ट कि सुनामी कब आने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द पद्म भूषण अवार्ड मनोज दास पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये पद्म भूषण अवार्ड है जिनको मनोज दास को मिला था, ये पास्ड हो गए हैं, तो ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो ये है राइटर, ये है राइटर जो कि उड़िया एंड इंग्लिश के बहुत ही फेमस राइटर हैं। ओके, एंड ये है मनोज दास जी। एंड 2020 में इनको पद्म भूषण मिला है, एंड 2001 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ओके, एंड इनको केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो इंडियन हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड होता है, इंडियन हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है जो इनको मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच डेट द सुपर मून अपेयर्ड, कि हाल ही में कौन सा डेट को सुपर मून अपेयर हुआ था? तो ये हुआ है 27 अप्रैल एंड 28 अप्रैल को, इस दिन सुपर मून देखा गया है। ओके, एंड ये पिक देख रहे हैं सुपर मून का, ये लिया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। ठीक है, द सुपर मून आल्सो नोन एज द पिंक मून, इनको पिंक मून भी कहा जाता है क्योंकि ये जब अर्थ के सबसे क्लोज होता है तो उस दिन ये सुपर मून दिखता है, एंड ये पिंक कलर का दिखाई देता है। ओके, ये अर्थ के सबसे करीब होता है 27 एंड 28 अप्रैल को, जो कि ब्राइटर एकदम दिखता है जब अर्थ के सबसे ज़्यादा ये करीब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम वाज स्ट्रक बाय अर्थक्वैक ट्रेमर्स ऑन थर्सडे? थर्सडे को कहाँ पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आसाम के अर्थक्वैक आया है? तो इसका आंसर है सोनितपुर, इसका आंसर है सोनितपुर। ये देखिए, ये है ईपी सेंटर, ओके, जहाँ से अर्थक्वैक आया है। ओके, इस एरिया में पूरा अर्थक्वैक आया है, यह है आसाम का एरिया जहाँ पे अर्थक्वैक आया है, और आसाम के डिस्ट्रिक्ट का नाम है सोनितपुर जहाँ पे अर्थक्वैक आया हुआ है। ओके, आसाम में लगातार सिक्स एक के बाद एक मैग्नीट्यूड के अर्थक्वैक आते गए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा इसमें मैग्नीट्यूड का अर्थ है 6.4 जो कि सोनितपुर में आया हुआ था। ओके, एंड कल रात को जैसे कि थर्सडे को लगातार 2.45 बार लगातार वहाँ पे अर्थक्वैक आया है। एंड जो ईपी सेंटर है, जो कि ईपी सेंटर अर्थक्वैक का है, वो लोकेट हुआ है 17 किलोमीटर डेप्थ ऑफ अर्थ क्रस्ट। ओके, एंड 9 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन ऑफ दिखाओ जौली ऑफ आसाम। ओके, एंड ये सिस्मोलॉजी जो अर्थक्वैक है ये कौन कवर करता है, कौन सा एजेंसी है जो कि अर्थक्वैक को देखता है, अर्थक्वैक एक्टिविटी को देखता है इंडिया में, तो उसका नाम नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी। ओके,
अब जानते हैं कि अर्थक्वैक होता क्या है। तो एन अर्थक्वैक इज द सडन वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस बाय रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी। जब कोई दो मान लीजिए प्लेट है, आप लोग जानते हैं कि अर्थ पे बहुत सारे प्लेट्स हैं, तो वो जब प्लेट्स मूव करते हैं, सपोज कर लीजिए एक इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ओके ये इंडियन प्लेट है एंड ये यूरेशियन प्लेट है, तो ये जब मूव करेंगे, ये जब इधर ये अपोजिट डायरेक्शन भी मूव करेंगे, तो यहाँ पे होगा अर्थक्वैक जनरेट। ये क्या होगा जनरेट? अर्थक्वैक। ओके अब जानते हैं कि फोकस एंड एपिसेंटर क्या होता है। तो सपोज कर लीजिए ये अर्थ क्रस्ट है, ओके ये अर्थ का है, अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट पे मान लीजिए अर्थक्वैक आया, ओके तो द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वैक विद इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड फोकस। ये एक पॉइंट है, ओके यहाँ से मान लीजिए रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ, यहाँ से अर्थक्वैक का वाइब्रेशंस निकले हैं, ओके तो ये फोकस हो गया है। इसके जो ऊपर वर्टिकली पूरा लाइन रहेगा इसको बोलते हैं ईपी सेंटर, इसके बोलते हैं ईपी सेंटर। द पॉइंट लाइंग वर्टिकली एबव ऑन द अर्थ सर्फेस डायरेक्टली एबव द फोकस, तो ये फोकस हो गया। फोकस से जो डायरेक्टली ऊपर की तरफ जो वर्टिकली लाइन रहेगा, वर्टिकल जो वाइब्रेशन जाएंगे ऊपर की तरफ, तो उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड आप बताइए कि सबसे डिजास्टर्स अर्थक्वैक कब आया था इंडिया में, ये कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस रेगुलेशंस फॉर द यूज़ ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एट द लो स्पीड। तो लो स्पीड सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए किस देश ने नियम बना दिया है? ओके तो ये है यूनाइटेड किंगडम, यह है यूनाइटेड किंगडम, जो सेल्फ ड्राइविंग के लिए इन्होंने ये नियम बना दिया है। तो द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेट ऑटोमेटेड लाइन कीपिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड लाइन कीपिंग बन रहा सिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे आप हैंड फ्री ड्राइविंग कर सकते हैं वहाँ पर। मीन्स की जैसे कि टेस्ला गाड़ी बना रही है, तो हैंड फ्री आराम से वो गाड़ी ऑटोमेटिक अपने चलेगी, ओके एंड जो वहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग वाली कार होगी, जो कि कार होगी जो ऑटोमेटिक होगा, उसकी लिमिट है, उसका स्पीड का लिमिटेशन है, जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, इससे ज़्यादा स्पीड वहाँ पे अलाउ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ अपॉइंटेड एज द एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। तो कौन है जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी अपॉइंट हुए? तो ये टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन जो हैं जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, ये हैं टीवी सोमनाथन, जो कि 1987 बैच के आईएएस अफसर रह चुके हैं तमिलनाडु के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन चंदला गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। तो इंडिया का क्या रैंक है चंदला गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में? तो इसका रैंक है 49। ओके इसमें टोटल 104 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से इंडिया को 49 रैंक मिला है, ठीक है। इसमें फर्स्ट रैंक मिला है फिनलैंड को, सेकंड रैंक मिला है स्विट्जरलैंड को एंड थर्ड रैंक मिला है सिंगापुर को, ओके एंड जो चैंडलर रिलीज करते हैं तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये इंडेक्स? द चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज रिलीज बाय द चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, ओके तो ये रिलीज किया जाता है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। एंड जो ये इंडेक्स है, ये प्रिपेयर किया जाता है 7 पिलर पे, जैसे कि लीडरशिप एंड फोरसाइट, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, रोबस्ट लॉ एंड पॉलिसीज, अट्रैक्टिव मार्केट पैलेस, फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप, हेल्पिंग पीपुल राइज, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड रेपुटेशन। तो ये 7 पिलर को देख के सभी को रैंक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द वाइल्ड इनोवेशन अवार्ड। तो ये अवार्ड वाइल्ड इनोवेशन अवार्ड किनको मिला है? ये मिला है कृति कर्नाट को, ये मिला है कृति कर्नाट को, जो कि चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट है बेंगलुरु में, ओके तो इनको दिया गया है अवार्ड वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, एंड दिस अवार्ड इज गिवेन बाय वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन। ये वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है अवार्ड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड जस्टिस राजेश बिंडल एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। तो कौन सा हाई कोर्ट का राजेश बिंडल जी को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो इसका आंसर है कलकत्ता, इसका आंसर है कलकत्ता, ये कलकत्ता के ये राजेश बिंडल जी, जिनको कलकत्ता हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है। क्या बनाया गया? एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब बताइए कि एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है?
ठीक है, ये बताइए मुझे कमेंट में, आप बताइए, एंड मैं इसका आंसर अभी बता दे रहा हूँ। ये है आर्टिकल 223, आर्टिकल 223, आर्टिकल 223 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ओके, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली DRDO हैज कंडक्टेड मैडन ट्रायल ऑफ फाइटन 5 मिसाइल, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज इट? तो DRDO ने न्यू 5 मिसाइल को लॉन्च किया है, फाइटन 5 मिसाइल को। तो इस मिसाइल को किस लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, किस टाइप का मिशन के मिसाइल है ये? ओके, तो ये ऐसा मिसाइल है जो कि एयर टू एयर किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ओके, DRDO ने एक रिसेंटली टेस्ट फायर किया है जो कि पाइथन 5 को टेस्ट किया है इस मिसाइल में, कि वो एयर टू एयर मार कर सकता है, वो किसी भी मिसाइल को एयर में ही, एयर से अप्लाई करके एयर में ही मार सकता है। एंड इसको फिट किया गया है तेजस में, किसमें? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इसको फिट किया गया है। ओके, इसका वेट है 11 किलोग्राम, इसका वेट है 11 किलोग्राम। ओके, एंड इसका नाम क्या है? पाइथन 5 एयर मिसाइल, पाइथन 5 एयर मिसाइल। ओके, एंड इट इज़ 5th जनरेशन ऑफ पाइथन मिसाइल, ठीक है। एंड इसका कंपनी कहाँ पे है? तो ये मैन्युफैक्चर किया गया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। आप वो मत राफेल समझिएगा, फ्रांस वाला राफेल जो कि फ्रांस से इंडिया आया है, ये है इसराइली कंपनी जो कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम नाम है जिसका। ओके, अब पाइथन 5 क्या करता है? तो पाइथन 5 का कैपेबिलिटी है कि 37 किलोमीटर के अगर बाहर रहा रेंज, तो वो किसी भी विमान को या फिर मिसाइल को वो हवा से ही हवा में मार देगा, 37 किलोमीटर के परे भी वो मार सकता है। ओके, एंड पाइथन कैपेबल है कि किसी भी टारगेट एरिया को टारगेट करके वो बर्बाद कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022? तो 2021 एंड 2022 का इंडिया का GDP ग्रोथ कितना है? उसका आंसर है 11%, इसका आंसर है 11%। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का, इंडियन GDP टू ग्रो एट 11% द फिजिकल ईयर सेज ADB, ठीक है। तो एक्चुअली में ADB है कहाँ पे? ADB है क्या, ठीक है, तो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, इसका हेडक्वार्टर है मैनिलिया फिलीपींस में, एंड इस्टेब्लिश किया गया 9 दिसंबर 1996 में, सॉरी 1966 में। ओके, तो ADB ने जारी किया है इंडिया का GDP ग्रोथ रेट, जो कि अभी वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है इसका GDP रेट, ठीक है। और इन्होंने 2022 का भी, 2022-23 का भी GDP रेट बताया है, फिजिकल ईयर 2023 का GDP रेट होगा 7%, 7% इन्होंने दर्शाया है, एंड अभी का इन्होंने दर्शाया है 11%, 11%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ फिगर्ड इन टाइम मैगजीन्स फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर कंपनी? तो मोस्ट इन्फ्लुएंसर कंपनी में से हमारे इंडिया के दो कंपनी आए हैं, ठीक है। इसका आंसर है रिलायंस जियो एंड बायजूस। टाइम ऑफ मैगजीन ने हमारे दो कंपनी को अपनी लिस्ट में जगह दी है। ओके, तो ये है जियो, रिलायंस जियो एंड बायजूस। रिलायंस जियो की लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एंड जो बायजूस है द लर्निंग ऐप है, एक ई प्लेटफॉर्म है लर्निंग ऐप के लिए। ओके, द मैगजीन है लिस्टेड रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म फॉर लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने 4 साल में करीब ट्रांसफॉर्म कर दिया है पूरा इंडिया को 4G नेटवर्क से, जो कि 4G नेटवर्क सबसे कम रेट में देती है, इसलिए उनका नाम टाइम्स मैगजीन में डाला गया है, ठीक है। जो कंपनी है बायजूस, इनको इस्टेब्लिश किया गया था रविंद्रन, बायजू रविंद्रन के द्वारा, जो कि अभी बहुत ही डिमांड में है क्योंकि पैंडेमिक के समय सब कोई ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, तो ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में बहुत ही फेमस कंपनी है, तो इनको भी जगह दिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के लिस्ट में। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।